सलमान खान के फैंस के बीच फिल्म रेस 3 को लेकर खूब एक्साइटमेंट बनी हुई थी। रेस 3 के पर्दे पर आने का सलमान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म का रिव्यू सामने आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सलमान और फिल्म के बाकी कलाकार फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। आपको बता दें कि अनिल कपूर की एक्टिंग की तो काफी तारीफें हो रही हैं, लेकिन बाकी सभी एक्टर्स को ठीक ठाक बताया जा रहा है। असल में फिल्म की कहानी अनिल कपूर से ही शुरू होती है। फिल्म में अनिल के किरदार का नाम शमशेर है। शमशेर अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करने का काम करता है और इसमें उसके तीनों बच्चे उसका साथ देते हैं, जहां सिकंदर यानी कि सलमान फिल्म में अनिल के सौतेले बेटे का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं संजना यानी कि डेजी शाह और सूरज शाकिब सलीम शमशेर का अपना खून है। फिल्म में जैकलीन सलमान खान की गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही है। वहीं फिल्म के रिव्यू के अनुसार रेमो ने फिल्म को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। फिल्म के डायलॉग्स की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि डायलॉग्स काफी लंबे और बोरिंग हैं। रिव्यू में ये भी कहा गया है कि फिल्म में इमोशंस की कमी नजर आ सकती है। फिल्म के सीन्स की बात करें तो इन सीन्स को काफी स्लो बताया गया है, जिसकी वजह से फिल्म अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम हो सकती है। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि फिल्म में सलमान ने खुद एक गाना भी लिखा है। सलमान खान के इस गाने के रिव्यू की बात की जाए तो इसे भी निराशाजनक बताया गया है। लिहाजा ईद के मौके पर दर्शकों को इस फिल्म के रिलीज होने का जितना इंतजार था, उसके मद्देनजर ये फिल्म फैंस को निराश कर सकती है। फाइनल कट न्यूज डेस्क। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।